हेलो दोस्तों, कुचरबक की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पेट के लिए लगातार क्लासेस थ्योरी की चल रही हैं, इसके साथ ही आज भारतीय इतिहास सब्जेक्ट से पाठांग का टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट और टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यहाँ आपकी पेट की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसके साथ ही पेट के लिए लगातार प्रैक्टिस डाले जा रहे हैं, उसे भी जरूर चेकआउट करें। इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है आज का पाषाण काल। पहला पॉइंट है, पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन रहेगा एक, दो, चार, तीन, जो भी है तो इसमें रहेगा ऑप्शन एक, तीन, जो आपका सही रहेगा। दूसरा पॉइंट है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो था शिकार था। और इस काल को दूसरा काल भी क्या कहते हैं, वो कहते हैं आखेटक या खाद्य संग्रह काल। अगला पॉइंट है, लगभग 3600 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु जो था वो कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पालतू पशु सबसे पहला था वो कौन सा था, कुत्ता था। उसे कब पालतू बनाया गया था, तो ये मध्य पाषाण काल में। अगला पॉइंट है, आग की जानकारी मानव को पूरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन ये बनता है कि जो आग का प्रारंभ था वो आदि मानव ने कब शुरू किया, तो था नव पाषाण काल से। अगला पॉइंट है, नव पाषाण काल से मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। तो कृषि कार्य जब कब से प्रारंभ किया मानव ने, तो नव पाषाण काल से। अगला पॉइंट है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो एक ये क्वेश्चन बनता है कि कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। अगला पॉइंट है, बिहार के चिरान नामक नव पाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं। अगला पॉइंट है, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाषाण काल के जो तीनों चरणों का साक्ष्य है वो किस स्थान से प्राप्त है, तो वो बेलन घाटी या इलाहाबाद। अगर दोनों इन दोनों से एक ही ऑप्शन होगा आपके पास, बेलन घाटी या इलाहाबाद, दोनों ये दोनों शब्द याद रखना है दोनों जगहों। अगला पॉइंट है, औजारों में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु तांबा थी तथा इस धातु का ज्ञान मनुष्य को सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले किस धातु का ज्ञान जो था मानव को प्राप्त हुआ, तो वो थी तांबा। और सबसे पहले औजारों में प्रयोग की जाने वाली जो धातु थी वो कौन सी थी, वो भी थी तांबा थी। अगला है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा कि कृषि का जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, शुरुआत हुई थी वो मेहरगढ़ से हुई थी, परंतु चावल की खेती का जो साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं वो मिले हैं कोल्डी हवा इलाहाबाद से। और अगला पॉइंट है कि भैया का आविष्कार जो था वो नव पाषाण काल में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। भैया का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ। अगला है, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन माथल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई पर इस सभ्यता की खोज करी थी। तो सिंधुघाटी सभ्यता में सबसे पहला जो नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। ये खोजा था दयाराम साहनी ने, किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्थल के नेतृत्व में। अगला पॉइंट है, हड़प्पा के पश्चात 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। भारत में सर्वाधिक संतोष स्थल गुजरात में पाए गए हैं। यहाँ पर दूसरा है कि जो दूसरा जो नगर खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो खोजा गया था, किस समय खोजा गया था, 1922 में। किसके द्वारा इसका उत्खनन हुआ था, वो होता राखलदास बनर्जी के द्वारा।
अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है, तो रखा जाता है पाषाण काल की संस्कृतियों को। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता के विकास की जो प्रथम अवस्था थी वो थी शिकार की अवस्था। मानव ने सर्वप्रथम शिकार करना आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे, तो बनाए जाते थे पत्थर से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम बनाया था, पालतू बनाया था कुत्ता को। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो मानव ने जो आग का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 9500 युग में। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। तो मानव ने कृषि कार्य जो आरंभ किया था, वो आरंभ किया था 9500 युग से। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो ये आपने पढ़ा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था, वो किया गया था तांबा का। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो मानव ने जिस फसल का उपयोग किया था, तो वो थी जौ। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका जो आंसर रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगली वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता की होगी, तो चैनल पर जरूर बने रहें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो।